जैसे आप कहीं से रेस्क्यू करते हैं मोस्टली अर्बन अर्बन एरियाज में से, फिर आगे क्या प्रोसीजर होता है, इनको कहाँ छोड़ते हैं, किस टाइप के एरियाज में इसको? अगर जैसे कि कोई बस्ती है, स्लम एरिया है, बहुत छोटे छोटे घरों में, क्योंकि जब से रिवर फ्रंट बन गया है उससे नदी की जो उनके रहने की जो जगह थी वो बंद हो गई, अभी वो आसपास के घरों में वहाँ पे ज़्यादातर आते हैं, तो वहाँ से लेके हम लोग उनके लिए खास तरह का बॉक्स होता है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं मिलता है तो अपना जो प्लास्टिक बॉटल होता है उसको भी थोड़े छेद कर दो, तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं, बट उसको भी बैग में रखना है, क्योंकि जो वेनमस स्नेक है उनको वो बॉक्स के अंदर जो छेद किया है वहाँ का भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ भी अगर लगा ना तो कुछ भी हो सकता है चीज़ी ऐसे। तो वहाँ से लेके हम लोग बस्ती से दूर, यानी कि शहर से भी दूर, कोई या ऐसे एरिया में कहीं खेत है, जंगल तरह का है, ऐसी चीज़ें भी उनको यूज करते हैं। और वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो वहाँ पे उसको कोई ऐसा नहीं है कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, अपना इंसान की बस्ती से दूर चला जाए तो उसकी अपनी भी सेफ्टी है और इंसान। हम पहले भी थोड़ा बात कर रहे थे कि जब आप एक रेस्क्यू साइट पे जाती हैं तब लोगों का रिएक्शन जी किस तरीके का होता है? एक तो अपने कॉल पे या अगर फ़ोन पे बात होती है तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है कि ये WCC के ऑफिस से कॉल होगा, ऑफिस में बैठ के किसी लेडी ने कॉल किया होगा, कोई आ रहा होगा रेस्क्यू के लिए, फिर वो 10-15 मिनट में वापस कॉल करेंगे, अभी तक आपने किसी को भेजा नहीं, नहीं सर मैं ही आ रही हूँ। अच्छा, आप आ रहे हो, आपके साथ कोई है क्या? नहीं, मतलब कुछ नहीं, एक लेडी है और स्नेक रेस्क्यू के लिए कैसे आ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती है, और कई लोग तो मना भी करते हैं कि नहीं यार आप रहने दो, तो मेरा काम है मुझे करने दो, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि भाई स्नेक ऐसी चीज़ जिसका डर है लोगों को ज़्यादा, तो मतलब अगर यहाँ है ना तो ये रूम एक भी इंसान नहीं देखेगा, सब बाहर आ जाएंगे, मतलब उसमें भी कोई ये नहीं है कि कौन आदमी है, औरत है, बच्चे है, कौन है, कोई नहीं रुकेगा, सब बाहर जाएंगे। तो ऐसे ही होता कॉल पे, मतलब हम लोग को दिखाएंगे भाई वहाँ पे है, अपने जाके अगर खड़े रहे तो अगर कितने भी आदमी हैं, लड़के हैं, दूर खड़े हैं, 20 फीट दूर खड़े हैं और देख रहे हैं कि यार एक लेडी वो खड़ेगी, तो पहले जाएंगे तो कुछ नहीं, आप कर लोगे सही? हाँ हाँ हो जाएगा, तो एक तो लेडी होना और दूसरा सर पे हिजाब होना वो भी एक सवाल है, काफ़ी जगह ये एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि अभी हिजाब के लिए लोग यूज टू नहीं हुए हैं। हिजाब मीन्स घर के अंदर एक औरत है जो खाना बना रही है, बच्चे संभाल रही है, मतलब घर के बाहर हिजाब पहन के आप ऐसे काम करो, ये लोगों को अभी माइंडसेट में वो आया नहीं है, वो बोले ना कि उनसे अभी ये चीज़ हजम नहीं हो रही है या ऐसे नहीं कर पा रहे हैं अभी कि हिजाब पहन के एक लेडी आ रही है और स्नेक रेस्क्यू कर रही है। एक इमेज है ऐसी सालों से, मतलब किसी का फॉल्ट नहीं है, हिजाब पहनना कोई अच्छा या बुरा तो मैं नहीं कहूँगी, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको अच्छा लगे पहन, नहीं लगे नहीं पहन, मेरी चॉइस है पहनना, मैं पहनती हूँ और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना कोई ज़बरदस्ती है ना घर वालों की ना मेरे हस्बैंड की, ये तो मतलब मेरे हस्बैंड का तो पूरा सपोर्ट है, तो कुछ कॉल्स में मेरा मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो पीछे खड़े हैं और मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो वो मान भी लेते हैं, वो मान भी लेते हैं, वो हाँ चलो ठीक है, मुझे हंसी बात रुको मैं करती हूँ, तो मुझे मतलब सॉरी बट मुझे लोगों को दिखाना होता है कि मैं कर सकती हूँ। पर कभी कभी आपको लगता है ये प्रेशर शायद ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि हाँ मुझे ये कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है? नहीं, एक्चुअली वो टाइम भी काफ़ी निकल चुका है कि औरतों को प्रूफ करना पड़े कि मैं कर सकती हूँ, वो टाइम पीछे छूट गया है, शायद 4-5 साल, बहुत ज़्यादा नहीं बट 3-4 साल कह सकते हैं पीछे रह गया, कि अभी कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप क्या हो, क्या कर सकते हो, ये किसी भी, मतलब मैं आदमी का नाम नहीं लूंगी, ये कोई मेल ये नहीं, पर सोसाइटी के किसी भी औरत आदमी कोई भी हो, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं, साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, आपके काम को बोलने दो, मतलब आप जितना बोल रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो काम है वो आज नहीं तो 2 साल 5 साल 10 साल तक बोलेगा कि आपने क्या
चल जाता है लोगों को कि ये कर सकती है, फिर कोई मसला नहीं। अगर आपकी जो जर्नी रही है ये काम में स्पेसिफिकली, अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज आपने एक्सपीरियंस किया हो तो क्या क्या रहा होगा, या पर्सनल फ्रंट पे या प्रोफेशनल फ्रंट पे? चैलेंज मेरे घर से तो मुझे बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मम्मी के घर का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा मेरे एजुकेशन में, मुझे इसमें कैसे करना है तो काफ़ी कुछ सीखी हूँ मैं इनसे, ये मेरे से बेटर रेस्क्यू करते हैं, अगर मुश्किल कॉल है तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बट इनका सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, तो मुझे घर से तो ऐसे कोई ये नहीं रहा, बट हाँ सोसाइटी से ज़रूर रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी की भी है जो सोसाइटी में लोगों को उम्मीद, मतलब बोलते हैं ना कि सोसाइटी के लोगों को ये नहीं था कि एक लेडी ये कर रहे या एक मुस्लिम लेडी शायद ये करे ऐसे कुछ, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो लोग यही अहमदाबाद में 6-7 साल से हैं जो सोसाइटी में रहते थे, उसके बाद में स्लम एरिया में, मतलब जब अहमदाबाद अपने गुजरात के हालात ठीक नहीं थे वो टाइम में, एक हिंदू मुस्लिम ऐसा फर्क रहा है वो टाइम में रहा है, अभी खैर नहीं है और इसको कम कर वो तो भी आज की जनरेशन जो है उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करती है, वो सबको साथ लेके चलने में मानते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आज के जो बच्चे हैं उनकी ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है, तो वो टाइम में स्लम के जो बच्चे थे वो मुस्लिम ना मुस्लिम थे, तो मेरा उन लोगों के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती जैसा एक ये हो गया, और मैं उन लोगों को बेसिक एजुकेशन में हेल्प करती थी, फिर उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उनकी तरीके से सही है, बट जैसे होता है ना कि जिस एरिया में आप रहे हो जिस माहौल में रहे हो वो आपके पर्सनालिटी में वो दिखेगा, तो वो बच्चों का थोड़ा ये दिखता था कि नहीं यार ये सही नहीं है, क्योंकि चिल्लाना मतलब उल्टा सीधा बोलना, हाइजीन का कोई ये नहीं, ना एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मतलब तो वही धमाल बस्ती बस्ती में बच्चे रहते हैं, वैसे होता है कहते हैं यार इनको एक सही रास्ता दिखाना है, कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं क्योंकि स्ट्रीट में रहें यार बहुत स्मार्ट होते ही हैं, उनको बस सही रास्ते की ज़रूरत होती है कि यार ये करना, उनको करना बहुत कुछ है बट क्या करना पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं लगता था कि यार अपना भी यही हाल था कि करना तो था कुछ, तो अभी ये बच्चों के साथ इस पर काम करते हैं, तो वो बच्चों के साथ हम लोग, मैं स्लम में उनके साथ दिन में 1 घंटा बिताती हूँ, एक पेड़ के नीचे उनके साथ पहले 1-2 बच्चे बैठते थे, बैठ के बातें ही करनी कुछ नहीं करना, मतलब उनके एक्सपीरियंस को बताते थे आज ये हुआ स्कूल में ये हुआ उनको दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो मतलब कम्फर्टेबल हो जाते ना बातें करते करते इंसान ऐसे होते थे, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस में एक चीज़ आई कि मेरी सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम थी इस चीज़ से, और हम लोगों को घर खाली करने तक की भी धमकी दी गई थी कि भाई आप लोग इस तरह के काम मत करो, मुझे हसीब को भी कि भाई आपकी वाइफ कैसे करती आप तो बोलते कि नहीं, तो बच्चे थे यार तो, और ऐसा कोई काम भी नहीं हो रहा था कि जो नहीं करना चाहिए, बट एक एक हालात जो पहले बने हुए थे उसको लेके ही सब चल रहे थे दिमाग में, तो मेरा सिंपल ये था कि जो हो गया उसको लेके हम पूरी लाइफ नहीं चल सकते हैं, चेंज तो करना पड़ेगा, मतलब पूरी ज़िंदगी हम ये नहीं सोच सकते कि उस वक्त हालात ठीक नहीं थे इन लोगों ने ऐसे किया इसने ऐसे किया, नहीं यार उसको अगर वही लेके चलेंगे तो आज का क्या है ना, आज तो खराब ही है ना, फिर इससे अच्छा है कि उसको चेंज करते हैं, और उसके बाद ये हालात हुए कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गए और हमारी सोसाइटी के लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, आने जाने लगे बच्चे और आते जाते सब बच्चे साथ खेलना स्टार्ट हो गया, ये बहुत बड़ा मेरे लिए वो बड़ी चीज़ थी कि स्लम के बच्चे और हमारी सोसाइटी के बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो क्योंकि एक टाइम ऐसे था कि बातचीत करना मतलब उनके अगर सोसाइटी के आगे से भी बच्चे निकल जाए ना तो भी मतलब खतरा ही था समझ लो, तो बच्चे साथ में बच्चे भी एक दूसरे के साथ नहीं खेलते थे, अभी बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो ये सोसाइटी सब होता है कभी कभी सिर्फ अपने घर का माहौल ये नहीं होता है, लेकिन हमको सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। आपको लगा कभी आपने इस प्रेशर में कभी कभी गिव इन किया हो और पीछे जाके
लगा वो शायद करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। तो रेस्क्यू कॉल काफ़ी मिस किए हैं वो है, कभी भी आधी रात को कॉल है या ऐसे कुछ है तो नहीं कर पाते घर का, तो मुझे कभी ये नहीं रहा। बट हाँ अपने पर्सनली कॉल भी काफ़ी क्राउड हो गया के लिए काम है, घर भी देखना है, बच्चे हैं, तो वो सब चीज़ें साथ में लेके चलने में कुछ चीज़ें छूट जाती है जो अपनी ही होती है, जिसको घर वालों की चीज़ हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि अपनी फैमिली है। अगर कुछ छोड़ना है पीछे तो हमें अपनी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, अपने लिए ज़्यादा शायद कुछ कर सकते होते हैं। बट हाँ मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से आज तक अगर मैं देखती हूँ तो बहुत कुछ अचीव किया है। बट अगर आज के दिन मैं देखती हूँ कि आज जहाँ पे भी हूँ तो वहाँ अभी जितना अचीव किया है उससे बहुत कुछ बाकी है, मतलब ये शुरुआत है। और मेरी पूरी टाइम में मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा है, और हाँ कुछ टाइम पे शायद फैमिली में भी ये हो कि नहीं यार ये नहीं करना, फिर भी मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट भी किया है कि नहीं इसको करना है तो करना है। तो मुझे अच्छा ये बात का लगता है, हमेशा ही आज भी बोलती हूँ मेरी पढ़ाई में अभी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो हसीब हमेशा बोलते हैं तुझे जो करना है, मतलब तो एक लिमिट होती है अपनी अपनी दायरों है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो क्या चीज़ है कि अपना जो अपने है नहीं वो बनने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, किसी को देख के अपनी लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए, बस सीधी बात है कि यार सब ये कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसे करना है। नहीं यार अपनों को जो करना है अगर अगर वो सही सही चीज़ है तो कोई भी सपोर्ट करेगा ही, आज नहीं तो करेगा। बस स्नेक रेस्क्यू में भी मेरे मदर इन लॉ फादर लोग को ऑब्जेक्शन नहीं था बट डर था कि नहीं यार इसको मत ले जा कुछ हो जाएगा, उनका डर था, मतलब वो कैद थी तो डर भी था उनको कि यार इसको मत ले जा तुझे जो करना है कर, इसको इसको रहने दे तू, इसको कुछ हो जाएगा ऐसे कर। तो हाँ वो कभी जाते हैं कॉल पे तो वो थोड़ा नाराज़ कभी कभार होते हैं, लेकिन ऐसे इसलिए नहीं होते हैं कि उनको मुझे नहीं करने देना, इसलिए होते हैं कि उनको डर रहता है कि भाई इसको कुछ हो जाएगा, ये डर रहता है। क्रोकोडाइल को रेस्क्यू करते हैं तब क्या? क्रोकोडाइल के लिए कुछ ये होते हैं रस्सी वगैरह बनाए हुए होते हैं, उनको बंद करके उनको पकड़ना इजी नहीं है और एक इंसान का काम भी नहीं है इसी लिए, मतलब बच्चा बहुत छोटा है तो तुम ट्राई भी कर लो, अदरवाइज अगर बड़ा क्रोकोडाइल है तो एक इंसान का काम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने फर्स्ट क्रोकोडाइल मेरे हस्बैंड के साथ ही रेस्क्यू किया था, और उसको फिर मुँह उसका मेन हथियार है मुँह होता है उसका, जो अगर पकड़ ले तो फिर छूटना मुश्किल होता है, तो उसको भी पहले बंद करना।